टेलीग्राम पर मैसेज किया था कि मैं 15-20 दिन ट्रेडिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे कुछ काम कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे और अब उनको ज़्यादा दिन पेंडिंग नहीं रखा जा सकता था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि उन कामों को पहले कर लिया जाए और मेरा 90% काम कंप्लीट हो चुका है। और फिर मैंने आपको टेलीग्राम पर मैसेज किया कि मैं 1 जुलाई से आप लोगों को लेवल्स फिर से दूंगा। आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको मैसेज कर दिया था कि मैं 1 तारीख से आपको लेवल्स दूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर ये 1 जुलाई है, 1 जुलाई के पहले मैंने आपको बता दिया था कि दोस्तों कल से आपको क्रूड ऑयल और बैंक निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के सहयोग के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 1 जुलाई से मैंने आप लोगों को लेवल्स दिए, मैंने आपको क्रूड के लेवल्स देता हूँ, बैंक निफ्टी के लेवल्स देता हूँ। आप जानते हैं मैंने क्रूड के लेवल्स आपको दिए, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आपको दिए थे और आपसे बोला भी था कि अब आप 5 से 7 के बीच शाम के मुझे कॉल कर सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को 11:22 पर देखा फर्स्ट टारगेट अचीव बैंक निफ्टी में और 11:32 तक ऑल 3 टारगेट अचीव हो गए थे। क्रूड ऑयल का भी फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया था और सेल साइड में भी फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। फिर मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स, मेरा जून बैच अभी ख़त्म हुआ था, जून बैच का लोगों ने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। वैसे मैं मना करता हूँ, मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जब तक आप लोग सही ढंग से प्रैक्टिस ना कर लें तब तक आप लोगों को ट्रेड नहीं डालनी चाहिए। लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स स्मार्ट हैं, उन्होंने मेरी बात को नहीं माना और उन्होंने अपना प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया। देखिए प्रॉफिट के लिए आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन मार्केट को समझने के लिए आपने अगर डिसाइड कर लिया और एक बार मार्केट समझ लिया तो ये मार्केट इतना आसान है कि आप इससे बड़े आसानी से प्रॉफिट कर सकते हैं। ये देखिए आप जून बैच का, ये भी देखिए जून बैच का, इनका भी प्रॉफिट देखिए। हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाना, ये भी देखिए जून बैच। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सही ढंग से पहले प्रैक्टिस करें उसके बाद कुछ करें। 2 जुलाई को यानी आज के दिन मैंने आपको क्रूड ऑयल के लेवल्स दिए, साथ ही साथ बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए और आज से मैंने एक नई चीज़ और शुरू की है, आपको मैं कुछ स्टॉक्स भी दे रहा हूँ। आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर आप स्टॉक्स तो बता देते हैं, उन स्टॉक्स में मूवमेंट भी आता है, लेकिन आप ये नहीं बताते कि सर कहाँ पर बाई करना है कहाँ पर सेल करना है। मैं कैश के लेवल देता हूँ और क्लियर कट आज मैंने आपको बताया था कि ब्रिटानिया को आपको 3535 पर सेल करना है, 3545 पे स्टॉप लॉस। 3 टारगेट इसमें दिए थे, SCL में 3 टारगेट दिए थे, फेडरल बैंक में हमने आपको 3 टारगेट दिए थे और टेक महिंद्रा में 3 टारगेट दिए थे। और उसके अलावा साथ ही साथ मैं जो ट्रेड करता हूँ, आप देखिए 10 बजे के आसपास मैंने आपको 22,500 की कॉल 140 क्वांटिटी सेल की थी और उसका मैसेज मैंने आप लोगों को 10 बजे ठीक दे दिया था। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि स्टॉप लॉस 100 रुपीज़ रखा है और 10:47 पे करीब करीब 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि जिसने मुझे देखकर ट्रेड किया है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको 4 स्टॉक दिए थे, ब्रिटानिया का, टेक महिंद्रा का टारगेट अचीव हो गया, ब्रिटानिया का टारगेट अचीव हो गया, फेडरल बैंक टारगेट के पास था और SCL टेक का कॉल ही एक्टिवेट नहीं हुई। तो दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।
इसमें आपको डेली बैंक निफ्टी के लेवल्स, क्रूड के लेवल्स और साथ ही साथ जो मैंने नई चीज़ शुरू की है, आपको डेली दो स्टॉक में बाई और दो स्टॉक में सेल, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ आपको मिलेंगे। तो आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं निश्चित रूप से। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा ये 22,500 की जो कॉल थी, 10,255 रुपए का टारगेट दिया। तो क्लियर कट आप देख रहे हैं, कोई हेजिंग नहीं की मैंने, कोई कुछ नहीं किया, और एक ही कॉल मैंने ली और उसमें 10,255 रुपए का मुझको प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, मैं छोटा ट्रेडर हूं और छोटा ट्रेडर हूं और आप जैसे छोटे लोगों की हेल्प करने के लिए ही मैंने ये टेलीग्राम चैनल बनाया है। तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूं, मैंने कोई 20-50 स्लॉट में काम नहीं किया, एक ही मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज की थी और उसी स्ट्राइक प्राइस पर मैंने ये प्रॉफिट बुक किया। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आए और कॉल्स आए, सर आपने ये कैसे किया, थोड़ा मुझे भी बताइए। तो समय नहीं मिल पाता है मुझको, आज रात के लगभग 9:52 हो रहे हैं, 2 जुलाई है, आप टाइम देख सकते हैं, समय देख सकते हैं। मैं अभी मुझको वीडियो बनाने का टाइम मिला थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये बता दूं कि मैंने ये कैसे सिलेक्ट किया था। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग कि मैंने ये कैसे सिलेक्ट किया। उसके लिए आपको दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले चलता हूँ ऑप्शन चैन पे, ऑप्शन चैन NSE, इस पर जब आप क्लिक करेंगे गूगल पर जाकर, तो आपको जो पहला पेज ओपन होगा, उस पहले पेज पर थोड़ा सा नेट स्लो है, ओपन हो जाने दीजिए। तो दोस्तों, बहुत आसान है ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग को हम लोग खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगर आप सही ढंग से सिंपल तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इस मार्केट से पैसा बनाना। देखिए, मैं कितने दिनों के बाद ट्रेडिंग किया, एक चीज़ सिलेक्ट करी और उसमें ही प्रॉफिट हो गया। तो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको एक बार आ गई तो आप चाहे 1 महीने बाद 2 महीने बाद 4 महीने बाद 6 महीने बाद भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रॉफिट बना पाएंगे। देखिए, ये ऑप्शन चैन है, जो लोग जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, ये निफ्टी की ऑप्शन चैन है। हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पर, क्योंकि हम लोगों ने बैंक निफ्टी पर ट्रेड किया है, यहाँ से हमने इसको बैंक निफ्टी पर चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन होता है वो कॉल्स का पोर्शन होता है, और राइट हैंड साइड का जो पोर्शन होता है वो पुट्स का पोर्शन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाइट एरिया है, ये वाइट एरिया है, ये जो वाइट एरिया होता है वो आउट द मनी होता है, आउट द मनी होता है, और जो ये ऑरेंज सा शेडेड एरिया है ये इन द मनी होता है, और जो जिस प्राइस पर मार्केट चल रहा होता है वो प्राइस आपका एट द मनी होता है। तो इस ऑप्शन में तीन ही चीज़ें होती हैं, एक होती है आउट द मनी, ये जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं ये आउट द मनी है, और जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं ऑरेंज सा, ये इन द मनी है, और जो ये जहाँ से ये दोनों अलग होते हैं ये कहलाती है लाइन हमारी एट द मनी। तो दोस्तों, चूंकि आज थर्सडे था और थर्सडे को एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी थी आज, और वीकली एक्सपायरी में हमको ये देखना होता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। दोस्तों, बहुत आसान है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको ये ऑप्शन चैन खोलना है, और ऑप्शन चैन खोलने के बाद यहाँ तो एक चीज़ और भी है,
आपको केवल ये गैस करना होता है क्या मार्केट इस प्राइस तक जाएगा या नहीं जाएगा। जबकि इंट्राडे में आप अगर कोई स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो वहाँ आपको सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं, कहाँ पर एंट्री लेना है, एंट्री के बाद कहाँ स्टॉप लॉस डालना है, कहाँ तक मार्केट जाता है। अगर आपका अनुमान गलत हो गया तो आपको लॉस हो जाता है। यहाँ आपका अनुमान गलत होने पर भी आप प्रॉफिट बना सकते हो, ये फ़ायदा होता है ऑप्शंस का। दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूँ, नेक्स्ट मंथ से मैं ऑप्शंस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ऑप्शंस हिंदी में बड़ी आसान भाषा में शुरू से लेके लास्ट तक आपको ऑप्शंस का पूरा कोर्स करा दूं। और साथ ही साथ पूरे वन मंथ के दौरान मैं कुछ लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ स्ट्रेटजीज भी बनवाऊंगा और आपको लाइव मार्केट में ट्रेड भी करवाऊंगा। तो देखता हूं नेक्स्ट मंथ तक मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो बताऊंगा जैसा भी होगा उसका बाकायदा मैं आपको अनाउंसमेंट करूंगा। अनाउंसमेंट करने के बाद ही मैं उसको स्टार्ट करूंगा, तो उसके लिए आपको अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कि मैंने 22,500 का स्ट्राइक प्राइस क्यों चूज़ किया। देखिए दोस्तों, ये कॉल्स है, ये पुट्स है। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो जनरली लोग कॉल बाई करते हैं, और जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो पुट बाई करते हैं। सेम अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो या तो आप कॉल बाई कर सकते हैं या पुट को सेल कर सकते हैं। कॉल बाई करके भी आप पैसा बना सकते हैं, पुट सेल करके भी आप पैसा बना सकते हैं। और अगर मार्केट गिर रहा है तो पुट के प्राइस बढ़ेंगे और कॉल के प्राइस घटेंगे, तो आप पुट को क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं गिरते समय, और कॉल को सेल कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि आज मार्केट सुबह के टाइम ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर मार्केट जब अप जा रहा था तो आपने कॉल सेल कैसे कर दी। दोस्तों ये इस ऑप्शंस का यही तो एक जादू है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और एक्सपायरी वाला दिन है, और अगर आपको ये पता है कि ऊपर तो जाएगा लेकिन इस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल को आप सेल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने 22,500, आप ये मिड में देख रहे होंगे, मैंने 22,500 की कॉल सेल की थी। मैं आपको ले चलता हूँ आस्था के अकाउंट पे, आस्था का टर्मिनल है ये, और मैं आस्था में ट्रेड करता हूँ। दोस्तों जिन लोगों को आस्था में अकाउंट ओपन करना है वो आस्था में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आस्था का भी लिंक दे रहा हूँ। आस्था में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आस्था में 3,500 रुपये में आप एक लॉट बैंक निफ्टी का सेल कर सकते हैं। दोस्तों मैं चूंकि बहुत दिन बाद ट्रेड कर रहा था, मैंने कोई ज़्यादा पैसा नहीं डाल रखा था। मैं आपको जैसे जिरोधा में आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ, ऐसे ही मैं आपको आस्था में अकाउंट दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा अकाउंट, यहाँ पर मेरे पास टोटल 34,000 रुपीज़ थे, मात्र 34,000 रुपीज़ थे, जिसको मैं आज जो मेरा प्रॉफिट हुआ है 10,255 ब्रोकरेज करने के बाद ये बचा, और टोटल फंड मेरा हो गया 44,000। आप देख सकते हैं 34,353 से 44,000 फंड हो गया, मैंने 10,000 रुपये का प्रॉफिट किया। अगर आप देखें तो फंड के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो 34,000 पे 10,000, यानी कि 1/3 प्रॉफिट, 30% का प्रॉफिट हुआ है मेरा ऑप्शन। और ये केवल किस कारण से हुआ, आस्था के कारण से हुआ, क्योंकि आस्था में एक लॉट बैंक निफ्टी का सेल करने पे 3,500 यानी 3,500 रुपये में आप एक लॉट सेल कर सकते और यही एक लॉट अगर आप जिरोधा में करते हो, आप स्टॉक्स में करते हो, तो एक लॉट सेल करने के लिए 27,000 रुपीज़ चाहिए। यानी जितने में आप अपस्टॉक्स में और जिरोधा में 27,000 रुपीज़ में एक लॉट सेल कर सकते हो,
उतने ही पैसे में आप जिरोधा में 10 लॉट के आसपास सेल कर सकते हो, 8 से 10 लॉट आप सेल कर सकते हो। तो दोस्तों आस्था ऑप्शंस वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो आस्था में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आस्था का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन डिफरेंस भी समझ लीजिए, जिरोधा में आप एक लॉट सेल करते हैं तो 20 रुपये खरीदने के और 20 रुपये बेचने के लगते हैं, यानी टोटल 40 रुपये लगते हैं एक लॉट के बाई और सेल करने के। आस्था में भी आपके 20 रुपये खरीदने के और 20 रुपये बेचने के यानी 40 रुपये लगते हैं एक लॉट सेल करने के। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आप जिरोधा में या अपस्टॉक्स में आप काम करते हो, वहाँ आप 10 लॉट एक साथ सेल करते हो या बाई करते हो, तो वहाँ आपका 20 रुपये खरीदने का, 20 रुपये बाई करने का यानी 40 रुपये लगता है। यहाँ पे 10 लॉट पे आपका एक लॉट पे 40, तो 10 लॉट पे 400 रुपये ब्रोकरेज लगता है। ये डिफरेंस है दोनों में। लेकिन उसके बावजूद आस्था हमको ज़्यादा रिटर्न देता है। अब आप सोच सकते हैं सॉरी, जितने पैसे में हमने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 10,255 का, उतने में मैंने 7 लॉट लिए थे, 7 लॉट का मतलब हो गया 280 रुपये ब्रोकरेज। अगर इसमें से हमारा 280 रुपये कट भी जाता है तब भी लगभग मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। जिरोधा में हम इतने पैसे में एक ही लॉट सेल कर पाते, तो सोचिए एक अगर 7 लॉट में 10,000 मिला है, मतलब एक लॉट का 1,500 रुपये करीब आप मान लीजिए, और वहाँ पर जिरोधा की बात करते तो हमको 1,500 रुपये मिलता, जिसमें से 40 रुपये ब्रोकरेज देने के बाद भी हमको करीब करीब 1,400 का प्रॉफिट होता, और यहाँ पे हमको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये डिफरेंस है आस्था में और जिरोधा में। तो आस्था बेनिफिशियल है इस हिसाब से कि आप ज़्यादा लॉट में सेल कर सकते हो, लेकिन आपको परफेक्ट होना पड़ेगा ट्रेड के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि आखिर हमने चूज क्यों किया बाई स्ट्राइक प्राइस। दोस्तों उसका कारण क्या है? ये देखिए कॉल है, ये पुट साइड है, कॉल में ये ओपन इंटरेस्ट है और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट देखिए, आप यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए, ये दिखा रहा है आपको, है ना, यहाँ पे करीब करीब 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे करीब करीब 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पर करीब 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो आप देख सकते हैं ये लास्ट में ये ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 22,500 पे। हम देखते हैं दूर वाली स्ट्राइक प्राइस, जिस समय की बात हम कर रहे हैं उस समय मार्केट 22,200 के आसपास चल रहा था, तो 22,200 22,100 के आसपास मार्केट चल रहा था। उस दौरान इसके ऊपर यहाँ पर अगर 22,200 और 22,100 मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पोर्शन शेडेड पोर्शन होगा, यानी ये पोर्शन इन द मनी था। तो आउट द मनी में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 22,500 पर था, यानी ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इस स्ट्राइक प्राइस पर है, 22,500 के स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस था। यही रीज़न था कि मैंने 22,500 के कॉल को सेल किया, इसकी कॉल को हमने सेल किया। हम चाहते तो पुट को भी सेल कर सकते थे। आप यहाँ पर पुट में देखिए, ये ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम में आप गौर करिए, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम में जितना यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस था उतना यहाँ पर कहीं पे भी सपोर्ट या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर 11 लाख था, यहाँ पे सब हजारों में, 23,000, 2,38,000, यहाँ पे 10 लाख से ऊपर है, यहाँ पे कहीं पर भी 10 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट नहीं था। इस वजह से मैंने पुट को सिलेक्ट ना करके कॉल को सिलेक्ट किया, और चूंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था इसलिए हमने 22,500 की कॉल सेल की। क्लियर हुआ आपको? और अगर आप चार्ट पे चलें तो मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए 22,500 का स्ट्राइक प्राइस है, ये मार्केट यहाँ पे आज ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया,
इसके बाद मार्केट तेजी से ये ऊपर गया। क्यों क्यों ऊपर गया? क्योंकि मार्केट में अचानक बहुत तेजी के साथ खरीदारी हुई और मार्केट कहाँ तक गया? ऊपर तक गया। लेकिन उसके बाद मार्केट वहाँ पर स्टेबल नहीं हो पाया और वहाँ से मार्केट धीरे 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 नीचे आया। और जब मार्केट ने, ये देखिए इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया, देखिए इस ग्रीन कैंडल का लो इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर 78 के आसपास है। और फिर मैंने इस रेड कैंडल के लो के नीचे सेल किया, ये देखिए 74 के आसपास है। मैंने जैसे ही इसके नीचे मार्केट किया, मैंने सेल किया और मेरे 70 रुपये के आसपास मेरा सेल हुआ। मैंने आपको स्टॉप लॉस 100 का बताया क्योंकि यही इसका हाई था, 97 के आसपास इसका हाई था। मैंने यहाँ पर इसमें सेल किया और मैं छोड़ दिया इसको क्योंकि मुझे पता था कि ये जीरो होने वाला है। और 30 के आसपास मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत छोटे लोग हैं, उनकी पूंजी बहुत कम है, इसलिए मैं उन लोगों को लॉस नहीं करवा सकता। तो जब इसमें 4000 रुपये के आसपास मुझको प्रॉफिट हो रहा था, तब मैंने आपको बोल दिया था कि आप चाहें तो एग्ज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला रीज़न क्या था मैं आपको फिर से बता दूं। पहला रीज़न ये था कि 22500 के स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 22500 की स्ट्राइक प्राइस पर था, इसलिए हमने इसको सेल किया। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से मार्केट जब नीचे आ रहा था, तब मैंने 10 बजे के आसपास सेल किया। मैंने 10 बजे आपको मैसेज डाला था, 10 बजे के 1-2-3 मिनट पहले मैंने इसको सेल किया और 10 बजे मैंने आपको मैसेज डाल दिया। तो राइट टाइम जिस समय मैंने सेल किया, ठीक उसी समय आपको मैसेज डाल दिया था, दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ मैं आपसे बात करता हूँ, हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पर। शायद निफ्टी बैंक मैंने यहाँ खोल रखा है, निफ्टी बैंक के चार्ट पर चलते हैं। ये देखिए निफ्टी बैंक के चार्ट पर, डेली चार्ट पर अगर आप बात करें तो एक रेंज बनी हुई है। ये रेंज इतनी तगड़ी है कि जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं निकलेगा, यानी 22500 को ब्रेक नहीं करेगा, बैंक निफ्टी में तेजी आना पॉसिबल नहीं है। अगर कल, मैं आपको बता दूं, अगर कल ये मार्केट 22500 को तोड़ देता है तो इसमें वन साइडेड बाई बनेगा, इसमें वन साइडेड बाई बनेगा। 22500 के ऊपर आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि जो ये रेंज का ब्रेकआउट होगा वो फॉल्स ब्रेकआउट ना हो। अगर फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है तो 22500 के ऊपर इसमें बहुत अच्छी तेजी आने वाली है, यानी 22500 के ऊपर मार्केट कम से कम 1000 पॉइंट की रैली बड़े आसानी से अचीव कर लेगा। तो दोस्तों, आज की ये थी हमारी स्टोरी, और मैंने 10500 का प्रॉफिट बुक किया है, सॉरी 10500 नहीं, 10000 कुछ का प्रॉफिट है, 10255 का प्रॉफिट बुक किया है। और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, उस आधार पे मैंने ये वीडियो बना दिया। क्यों मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया था ये भी बता दिया। कभी भी एक कारण से मैं कोई पोजीशन नहीं बनाता, मुझे कम से कम 2-3 कारण चाहिए पोजीशन बनाने के लिए। मैंने आपको 3 कारण बताए। पहला कारण, 22500 के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था। दूसरा कारण, जो मेरी 22500 की कॉल थी उसमें ऊपर रेजिस्टेंस था। तीसरा कारण, जो हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट था, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 22500 पर वहाँ पर भी देख तगड़ा रेजिस्टेंस था, सॉरी, इसलिए मुझे मालूम था कि 22500 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, वहाँ तक मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, इसलिए मैंने कॉल को सेल किया। दोस्तों, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक मैं बता दूँ, अगर मार्केट 22500 क्रॉस कर जाता तो मैं तुरंत 22500 का पुट सेल कर देता। समझ लीजिए मेरी बात, अगर मार्केट 22500 का रेंज जो है वो ब्रेक करके ऊपर चलना शुरू करता तो मैं 22500 की पुट सेल कर देता 10 लॉट, और इससे मैं एग्जिट कर जाता। तो दोस्तों,
ऑप्शन में सबसे खास बात केवल ये नहीं है कि आपको एक स्ट्राइक प्राइस चुनना आ गया दोस्तों। ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस चुनने के बाद अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के अपोजिट चला जाता है तो आपको हाथ पर हाथ रख के बैठना नहीं है, आपको तुरंत एडजस्टमेंट करना है। और जिसको एडजस्टमेंट करना आता है वो ऑप्शन में लाखों रुपया बड़े आसानी से बना सकता है। मैं कोशिश करूंगा इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन ट्रेड करूं और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, अच्छे रहेंगे। गुड नाइट।